नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा निकाली गई आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कंप्लीट सिलेबस, एग्जाम्स पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफाई करने के लिए और साथ ही साथ एक रीजनल लैंग्वेज के सिलेबस के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी विजिट कर ले ताकि आपके कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या फिर इस वैकेंसी के इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा में सिलेक्शन के तीन फेज होगा। पहला जो है आपका लिखित परीक्षा, उसके बाद सेकेंड स्टेज है शारीरिक दक्षता परीक्षा और अंतिम स्टेज आपका मेडिकल टेस्ट है। अब हम लोग परीक्षा के स्वरूप और उसके पाठ्यक्रम को जान लेते हैं। लिखित परीक्षा आपका OMRC बेस्ड होगी। क्वेश्चन का टाइप आपका MCQ बेस्ड होगा। इस परीक्षा के लिए समय अवधि आपका 3 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दी जाएगी। यदि आप गलत करते हैं तो 0.66 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग आपका है। परीक्षा में क्वेश्चन का माध्यम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। अब हम लोग लिखित परीक्षा के सिलेबस और उसके टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो लिखित परीक्षा के 2 पत्र होंगे। पहला पत्र जो आपका मेन होगा, इसी पत्र के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इसके सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके कट ऑफ मार्क्स को भी देखेंगे कि क्वालिफाइंग के लिए कौन सा कट ऑफ चाहिए। तो लिखित परीक्षा के 5 उपखंड होंगे। पहला उपखंड आपका हिंदी सामान्य ज्ञान का होगा, जिससे आपका 50 प्रश्न होंगे। इसके अंतर्गत आपके अनसीन पैसेज होगा, पदांश तथा व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका स्तर आपका 12वीं कक्षा के स्तर की होगी। उसके बाद अगला सेक्शन सामान्य ज्ञान से, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपका राजनीतिक शास्त्र, प्रशासन, भारतीय संविधान, इतिहास, भूगोल, झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला सेक्शन आपका सामान्य विज्ञान से होगी, इसमें 25 प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान में आपका जो स्तर होगा वो 8वें स्तर का होगा, यानी दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद का जो सेक्शन है उसमें आपका सामान्य गणित का होगा, इसमें आपका 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य गणित के अंतर्गत 8वें स्तर के प्रश्न होंगे, जैसे लाभ हानि, प्रतिशत, समय, कार्य बट्टा, सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और अंतिम सेक्शन जो है आपका अंग्रेजी भाषा ज्ञान का, इसके 25 प्रश्न होंगे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान के अंतर्गत अनसीन पैसेज होगा, ग्रामर, कॉमन यूजेज, एंटोमोनियम, साइनोनियम, अपोजिट वर्ड्स से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर 5 सेक्शन होंगे और टोटल प्रश्न आपका 175 होगा। और ये जो पेपर 1 है लिखित परीक्षा का, यह क्वालिफाइंग है, इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। लेकिन इस परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम मार्क्स इस प्रकार है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग। अगर आप आरक्षित कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। उसके बाद आप मैक्सिमम जितना ला सकते हैं। ST और SC कैंडिडेट के लिए 32% मार्क्स अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 36.5% तथा किसी भी वर्ग के महिला के लिए 32% अंक अनिवार्य है इस परीक्षा में, यानी पेपर 1 में क्वालिफाई करने के लिए। लिखित परीक्षा का 2रा प्रश्न पत्र आपका स्थानीय एवं जनजातीय भाषा का है, यानी JSSC के अंतर्गत रिकॉग्नाइज जितने भी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, उसमें से किसी एक भाषा को आपको चुनना है, जैसे कि संथाली, बांग्ला, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, कुड़िया, कुड़ुक, कुड़माली, खोटा, में से किसी एक लैंग्वेज को चुनना है आपको। और उस लैंग्वेज में कम से कम आपको 33% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप 33% से कम अंक लाते हैं तो आपका प्रथम पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। और इसके लिए समय अवधि आपका 1 घंटे दी जाएगी और प्रश्नों की कुल संख्या 50 होगी। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए आपसे 0.33 अंक काट लिए जाएंगे। इसमें से एक क्षेत्रीय भाषा के सिलेबस को देख लेते हैं। हम उसके लिए खोटा लैंग्वेज को चुनते हैं। खोटा लैंग्वेज का बहुत सा वीडियो आपको हमारे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। हमारे चैनल के अंदर खोटा के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उससे संबंधित वीडियो डाली हुई है, आप वहां जाके खोटा के बारे में जान सकते हैं। चलिए हम लोग खोटा के सिलेबस को देखते हैं, क्योंकि यह जो भाषा है झारखंड के लगभग 13 से 14 जिलों में बोली जाती है। खोटा के अंतर्गत आपका पद और गद दोनों सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपका खोटा के प्रमुख साहित्यकार और साहित्य के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
जैसे उदाहरण के लिए आपका कोठा निबंध के लेखक बीएन ओहलदार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सुकुमार द्वारा लिखित डाह नाटक का पंचम कुमार के हरीश डहर से भी प्रश्न आ सकते हैं। ये आपके साहित्य सेक्शन में था। पद सेक्शन के अंतर्गत आप एक पथिया डोंगल महुआ संतोष महतो का, सोन माटी डॉक्टर विनोद कुमार के, और कविता के अंतर्गत आप नडक डोनी बंसीलाल बंसी तातल और हेमाल शिवनाथ परमाने के प्रश्न को कर सकते हैं। इसके अलावा खोटा व्याकरण से आपका एक ही झा के खोटा व्याकरण से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से खोटा के प्रश्न के अंतर्गत पर्व और त्यौहार से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खोटा के साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित एक अलग से वीडियो बनी हुई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां जाकर आप खोटा के साहित्य और साहित्यकार के बारे में जान सकते हैं। जैसे ही आप लिखित परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं शारीरिक मापदंड की जांच की जाएगी। शारीरिक मापदंड के अंतर्गत क्या है और शारीरिक दक्षता परीक्षा में कौन कौन से इवेंट है उसको हम लोग देखते हैं। तो शारीरिक मापदंड के अंतर्गत अगर आप अनारक्षित वर्ग ओबीसी वन तथा ओबीसी टू से बिलोंग करते हैं तो आपकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा सीना 81 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आपका ऊंचाई न्यूनतम 155 सेंटीमीटर और सीना आपका 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिला चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो उसके लिए ऊंचाई आपका न्यूनतम 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि सीना का कोई मापदंड नहीं दिए गए है। यह आपका शारीरिक मापदंड था। शारीरिक परीक्षा के अंतर्गत कई इवेंट किए जाएंगे, जैसे आपका 1 मील का दौड़ है, पुरुष उम्मीदवार को 7 मिनट में पूरी करनी है, जबकि महिला उम्मीदवार को 10 मिनट में पूरी करनी है। ऊंची कूद न्यूनतम 4 फीट की है पुरुष उम्मीदवार के लिए, महिलाओं के लिए ऊंची कूद नहीं होगी। लंबी कूद पुरुष उम्मीदवार के लिए आपका न्यूनतम 12 फीट है, महिला उम्मीदवार के लिए यह इवेंट नहीं है। गोला फेंक जो आपका 16 पॉइंट का होगा, पुरुष उम्मीदवार के लिए 15 फीट न्यूनतम फेंकना है क्वालिफाई के लिए, और महिला के लिए न्यूनतम 10 फीट की दूरी तक फेंकना है। और यह जो शारीरिक जांच परीक्षा है यह केवल क्वालिफाइंग परीक्षा है, इसका कोई अंक देय नहीं होगा, ना ही मेरिट लिस्ट में से जोड़ा जाएगा। शारीरिक परीक्षा और लिखित परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल जांच की जाएगी। मेडिकल जांच में योग्य उम्मीदवार का एक मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट आपका लिखित परीक्षा के पेपर 1 में प्राप्त अंकों के आधार पर ही बनेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप झारखंड स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा निकाली गई आरक्षी पद के कम्प्लीट सिलेबस को समझ गए होंगे। इस वैकेंसी के सिलेबस से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेरी होगा तो आप हमें कॉमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।